आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ रिफ्रैक्टरीज। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बताता चलूं कि रिफ्रैक्टरीज के टॉपिक पे अप्रॉक्स 25 के करीब वीडियोस इस चैनल में अवेलेबल हैं, जिनमें रिफ्रैक्टरीज की तमाम टाइप्स और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया है। सो आज के टॉपिक में हम रिफ्रैक्टरीज की अप्रॉक्स 9 टाइप्स की टेस्टिंग को समराइज करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडस्ट्री में तैयार होने वाली हर प्रोडक्ट को लेबोरेटरी प्रोसेस से गुजारा जाता है, सो रिफ्रैक्टरीज को भी लेबोरेटरी प्रोसेस से गुजारा जाता है, क्योंकि इन्होंने इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे मेन इक्विपमेंट होता है, लाइक फर्नेस और किलन वगैरह में इस्तेमाल होना होता है, और वहां पे जो टेम्परेचर है वो मोर देन 2000 सेंटीग्रेड तक हो सकता है। सो अगर इन रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स की सिलेक्शन करनी है तो उसके लिए दो चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। एक कि उसको कौन सी सर्विस के लिए, कौन सी एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करना है, और दूसरा जो रिफ्रैक्टरी वहाँ पे इस्तेमाल हो रही है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को एवेल्यूएट करने के लिए लेबोरेटरी प्रोसेस से गुजारा जाता है, और आज हम 9 टाइप्स की इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि लेबोरेटरी में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहला टेस्ट है मेल्टिंग पॉइंट मालूम करना, यानी इसके लिए फ्यूजन का वर्ड भी इस्तेमाल होता है, और फ्यूजन एक पुराना लफ्ज़ है जिसका मतलब है मेल्टिंग पॉइंट। इसके अलावा आप रिफ्रैक्टरी टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिवनेस का वर्ड भी मिलेगा, और इसके अलावा सॉफ्टनिंग पॉइंट का वर्ड भी मिलेगा, और फ्यूजन, रिफ्रैक्टिवनेस, सॉफ्टनिंग पॉइंट, इन सब का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम इस टेस्ट के अंदर जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट मैयर करते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल है इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, यानी फौरन नहीं आ जाता, और अगर इसके अंदर जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल है उसके रॉ मटेरियल्स में कोई इम्प्योरिटी वगैरह शामिल हो तो वो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको लोअर कर देता है, कम कर देता है। सो इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें लोअर मेल्टिंग पॉइंट नहीं चाहिए, हमें हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए और हमें हाई रिफ्रैक्टिवनेस चाहिए। इसका मतलब है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो हाई टेम्परेचर पे भी किलन या फर्नेस के अंदर स्टेबल रह सके। सेकेंड टेस्ट है रिफ्रैक्टिवनेस अंडर लोड। सो रिफ्रैक्टिवनेस का मीनिंग आप पहले टेस्ट से समझ चुके होंगे, इसका मतलब है मेल्टिंग पॉइंट। सो इस टेस्ट में भी हम वो टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं जिस पे ब्रिक्स कोलैप्स हो जाती है। सो टेम्परेचर की वजह से ब्रिक का कोलैप्स होना आप समझ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लोड का भी जिक्र है, तो लोड किस तरह इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। आप जानते हैं कि फर्नेस या किलन में जो रॉ मटेरियल एंटर किया जाता है उस का भी एक प्रेशर होता है, लोड होता है, और इसके अलावा जो गैशियस फ्यूल की फायरिंग की जाती है वो भी हाई प्रेशर पे की जाती है, और फर्नेस या किलन के अंदर जो प्रेशर है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता बल्कि अनइवन होता है, यानी किसी जगह ज़्यादा किसी जगह कम। तो ये दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और इन दोनों फैक्टर्स की बेस पे वो टेम्परेचर फाइंड किया जाता है जिस पे जो ब्रिक है वो कोलैप्स करती है। थर्ड टेस्ट है परमानेंट लीनियर चेंज ऑन रीहीटिंग। तो रिफ्रैक्टरी को अगेन लैब के अंदर हाई टेम्परेचर दिया जाता है और कूल भी किया जाता है। सो किस लिए किया जाता है? ताकि तीन चीज़ों को चेक किया जा सके। पहली चीज़ है कि उसका वॉल्यूम स्टेबल है या नहीं है, इसके अलावा उसके अंदर हाई टेम्परेचर पे एक्सपेंशन हुई है या नहीं हुई, या हाई टेम्परेचर पे श्रिंकेज हुई है या नहीं हुई। सो अगर इसके अंदर कुछ चेंजेस आते भी हैं तो
तो उनकी कुछ रीजंस हो सकती हैं। पहली रीजन है एलोट्रॉपिक फॉर्म की। सो आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट है तो उनमें से बाज की जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं। सो अगर रॉ मटेरियल के अंदर कोई एक एलोट्रॉपिक फॉर्म के साथ दूसरी भी शामिल है एज एम प्योरिटी, तो उसकी वजह से भी ये चेंजेस आ सकते हैं। सो इसके अलावा क्योंकि हाई टेम्परेचर दिया जाता है और केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसके दौरान कुछ न्यू मटेरियल्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। सो इसकी वजह से भी वॉल्यूम चेंजेस या एक्सपेंशन या श्रिंकेज हो सकती है। सो इसके अलावा उसके अंदर कोई डस्ट, कोई स्लेग या अल्कलीज वगैरह अगर रॉ मटेरियल में शामिल होंगी जिनको एज अ इम्प्योरिटी कंसिडर किया जाता है, तो फिर भी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमें फेस करना पड़ सकते हैं। फोर्थ टेस्ट है पोरोसिटी। सो इस टेस्ट के अंदर जो ओपन पोर्स होते हैं उनका वॉल्यूम मेजर किया जाता है, और इसलिए मेजर किया जाता है क्योंकि अगर उन रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स ने किसी मोल्टन मटेरियल से कॉन्टेक्ट करना है तो वो मोल्टन मटेरियल उनके अंदर पेनिट्रेट हो सकता है। सो लो पोरोसिटी डिज़ायरेबल होती है ताकि जो पेनिट्रेशन है यानी जो लिक्विड मटेरियल का उसके अंदर जज्ब होना है वो ना हो सके। सो जो प्रेफरेंस है वो दी जाती है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पोर्स को, यानी पोर्स स्मॉल हों और ज़्यादा क्वांटिटी में हों तो ऐसी रिफ्रैक्टरी ब्रिक को प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट है बल्क डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला आपको पता है, इसका मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर कितना ज़्यादा मटेरियल एडजस्ट हो सकता है। सो जितना ज़्यादा होगा इतनी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। सो अगर रिफ्रैक्टरी मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा है तो ये अच्छी बात है और इसकी वजह से हमें कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे। पहला है कि जो उसका वॉल्यूम है वो स्टेबल रहेगा। सेकेंड है हीट कैपेसिटी उसकी इंक्रीज होगी, और इसके अलावा आपको पता है कि जो पोर्स हैं वो अगर यानी उसकी डेंसिटी कम हो तो उसके पोर्स का एरिया ज़्यादा होगा, और अगर मोल्टन मटेरियल उसके साथ कॉन्टैक्ट कर रहा है तो वो उस पोर्स के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मटीरियल होगा, पोर्स छोटे होंगे, तो जो स्लेग होगा या कोई भी मोल्टन मटेरियल होगा वो उस उन पोर्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट टेस्ट है परमियबिलिटी का, और इससे पहले आपने पोरोसिटी की टर्म भी सुनी है। सो पहले इस कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। सो जो पोरोसिटी है उसमें हम वॉइड्स स्पेस को मेजर करते हैं, जबकि परमियबिलिटी में हम चेक करते हैं कि उस मटेरियल लाइक रॉक उसमें से कौन सा फ्लूइड जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। सो इस टेस्ट के अकॉर्डिंग हम एक पोरस रिफ्रैक्टरी मटेरियल में चेक करते हैं कि पासेज ऑफ फ्लूइड रेट क्या है, यानी कितने टाइम में वो फ्लूइड वहाँ से पास कर सकता है उन पोर्स में से। और यहाँ पे आप देखें कि जो फर्नेस है या किलन है उसके अंदर हाई टेम्परेचर होता है और वहाँ पे दो फ्लूइड्स जो हैं वो होते हैं, एक लिक्विड भी हो सकता है और गैशियस भी हो सकता है। सो अगर हम हाई टेम्परेचर पे देखें तो हाई टेम्परेचर पे जो लिक्विड्स होते हैं उनकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है, और इसलिए उनकी जो परमियबिलिटी का प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाता है। सो गैसेस की सूरत में बिल्कुल इसका अपोजिट है, और गैसेस की सूरत में हाई टेम्परेचर पे
उनकी जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जबकि उनकी परमीएबिलिटी का जो प्रोसेस है वो डिक्रीज हो जाता है। ये जो प्रॉपर्टी है परमीएबिलिटी की, ये रिक्वायर्ड होती है रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स के अंदर। यूनिफॉर्म परमीएबिलिटी होगी तो लो क्रैक्स होंगे और रिफ्रैक्टरी मटेरियल के अंदर जो क्रैकिंग है वो हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। इसलिए यूनिफॉर्म परमीएबिलिटी की जो क्वालिटी है ये रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स में होनी चाहिए। नेक्स्ट है कोल्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ। ये जो टेस्ट है इसकी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती। इस के अंदर रिफ्रैक्टरी मटेरियल की स्ट्रेंथ इसलिए फाइंड की जाती है क्योंकि हैंडलिंग के दौरान, यानी उनको उनकी जब लाइनिंग की जाती है, उनको किलन्स या फर्नेसिस के अंदर जब लगाया जाता है, और इसके अलावा उनकी जब शिपिंग की जाती है ट्रांसपोर्टेशन, उसके दौरान वो ब्रेक होते हैं या नहीं होते, इसलिए इस टेस्ट को किया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट है स्पेलिंग रेजिस्टेंस का। स्पेलिंग का जो वर्ड है, जो टर्म है, ये भी रिफ्रैक्टरी मटेरियल के अंदर बार बार इस्तेमाल होती है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। स्पेलिंग क्या चीज़ है? स्पेलिंग का मतलब है रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स या ब्लॉक्स का फ्रैक्चर हो जाना। क्योंकि ये एक डिसएडवांटेज है, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका नाम है स्पेलिंग रेजिस्टेंस, यानी इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस होनी चाहिए रिफ्रैक्टरी मटेरियल में। ये होती क्यों है? तो इसकी दो रीजंस यहाँ पे हैं। पहली रीजन ये है कि जब उसको ब्रिक्स को बनाया जाता है तो उस दौरान अगर अनइवन हीटिंग या कूलिंग उसको प्रोवाइड की जाए तो फिर एक स्ट्रेस सी डेवलप होती है और वो इसके फ्रैक्चर का बायस बनती है। इसके अलावा जो कंप्रेशन है उसकी वजह से भी रिफ्रैक्टरीज की जो स्पेलिंग एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। कंप्रेशन क्यों होती है? वो इस वजह से होती है कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जब उनको हाई टेम्परेचर पर ट्रीट किया जाता है तो उसका मटेरियल एक्सपेंड होता है। उसकी एक्सपेंशन के दौरान जो साथ वाली ब्रेक है वो कंप्रेस होती है। इसकी वजह से भी उसके अंदर श्रिंकेज आती है और वो टूट सकती हैं। ये दो रीजंस हैं, और स्पेलिंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होनी चाहिए रिफ्रैक्टरी ब्रेक के अंदर। नेक्स्ट टेस्ट है थर्मल कंडक्टिविटी का, और थर्मल कंडक्टिविटी भी रिफ्रैक्टरी मटेरियल की एक लीस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। और उसकी वजह यह है, जैसा कि आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टरी मटेरियल एक पोरस मटेरियल है, और पोरस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी हमेशा कम होती है, और रिफ्रैक्टरी मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी भी कम ही होनी चाहिए, और होती है तभी ये हीट लॉस से हमें सेव रखता है। थर्मल कंडक्टिविटी अगर मटेरियल में हो रही है तो उसकी कुछ रीजंस होती हैं। पहली रीजन ये है केमिकल मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन, उस रॉ मटेरियल की कंपोजिशन कैसी है। इसके अलावा जब उसको हाई टेम्परेचर पे हीट अप किया जाता है, उसकी बॉन्डिंग की जाती है, तो वो जो ग्लासी फेस बनती है वो कैसी बन रही है। इसके अलावा जो एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर कम और कम टेम्परेचर ज़्यादा, तो हर टेम्परेचर पे उसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो इफेक्ट होती है। ये इसकी रीजंस हैं, और ये एक लीस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझी जाती है, और उसकी वजह है रिफ्रैक्टरी मटेरियल का पोरस होना। नेक्स्ट टेस्ट है एब्रेशन रेजिस्टेंस का। आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टरीज को हर्थ ऑफ द फर्नेस बनाने के लिए और अदर प्लेसेस पे इस्तेमाल किया जाता है। हम बात कर रहे हैं एब्रेशन की। एब्रेशन यहाँ पे कैसे होती है? आपको पता है कि जो रॉ मटेरियल फीड किया जाता है फर्नेस या किलन के अंदर, वो इन रिफ्रैक्टरीज के साथ रब होता है, टच होता है, इनके ऊपर स्लाइड होता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो गैशियस फ्यूल इसके अंदर हाई प्रेशर पे इंटर किया जाता है, वो भी
इन रिफ्रैक्टरीज की जो एक्सटर्नल लेयर होती है उसके साथ टच होता है और उसके ऊपर स्लाइड करता है। सो उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है। सो इन रीजंस की वजह से उसके अंदर एब्रेशन होती है और जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल है उसके अंदर इस एब्रेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होनी चाहिए। यानी अच्छी रिफ्रैक्टरी वो होगी जो कि एब्रेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस रखेगी। सो एब्रेशन का जो टेस्ट है वो रूम टेम्परेचर पे तो बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता। सो हाई वर्किंग टेम्परेचर पे इसका पता लगता है। नेक्स्ट टेस्ट है एरोजन रेजिस्टेंस का। सो पहले एरोजन के बारे में देख लेते हैं ये क्या है। और एरोजन का मतलब है चिपिंग ऑफ। चिपिंग ऑफ का मतलब है टूट जाना। किस चीज़ का टूट जाना? जो रिफ्रैक्टरी सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स होते हैं उनका टूट जाना, इस अमल को हम एरोजन कहते हैं। और ये क्यों होता है? इसकी कुछ वजूहात हैं। पहली है मोल्टन मेटल के साथ जब रिफ्रैक्टरी सरफेस का कांटेक्ट होता है तो भी ये जो पार्टिकल्स हैं वो टूट सकते हैं। इसके अलावा जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से भी। इसके अलावा जो स्लेग पार्टिकल्स होते हैं उस स्लेग के अंदर उनके साथ जब कॉन्टैक्ट होता है तो भी इस रिफ्रैक्टरी सरफेस के पार्टिकल टूट सकते हैं। इसके अलावा हाई प्रेशर गैस जब उसके अंदर एंटर होती है तो उसके साथ भी जो है वो टूट सकते हैं। सो ये सारे जो हैं ये मैकेनिकल एक्शन प्ले करते हैं और उसके नतीजे में जो उनकी सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो डैमेज होते हैं। सो जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो एरोजन को रेजिस्ट करे। और जितनी उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वो इतना अच्छा जो है वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल होगा। लास्ट टेस्ट है रैपेज ऑफ रिफ्रैक्टरीज। सो जब रिफ्रैक्टरीज को यूज़ करते हैं तो उनकी यूजेज के दौरान जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से डिस्टोरियन होती है और इसको रैपेज का नाम दिया जाता है।